बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मेरे मालिक, आपका करम, आपका फजल। बहुत गुनाहगार आदमी लेकिन फिर भी इतनी नेमतों का शुक्रिया। बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी बदमजगी के ये मीटअप कम्प्लीट हो जाए, चाहे 2 लोग आएँ चाहे 10 लोग आएँ, जितने भी आएँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। अपना करम बना के रखना मेरे मालिक। शदीद कन्फ्यूज हूँ। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ओए चलो ये भाई, आओ तो सही। किधर लेके जा रहा है? बैठो 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 भाई साहब, बैठो माजी, बैठो। आए अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आप दोनों को पता है कि आज हमारा फर्स्ट मीटअप है। मैंने मौला को मिल लिया, मैंने अल्लाह मियां से दुआ कर ली। अब उसके बाद आते हैं आप लोग, आपसे मिलने आ गया हूँ, आपको बिठा दिया। मैं, मुझे पता है मैं बहुत गुनाहगार सा बंदा हूँ, मैं कोई बहुत परफेक्ट बेटा भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ना बहुत अंदर से कन्फ्यूज हूँ, अंदर से फटने वाला हूँ मैं। इसलिए नहीं कि इज्जत हो जाएगी या बिस्ती हो जाएगी, 2 लोग आए 4 लोग आए, वो जितने भी आए वो सर आंखों पे, कोई भी ना आए फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उस मुकाम पे तो पहुंचे कि हम किसी को अनाउंस कर रहे हैं कि हमारा मीटअप, अगर आप हमसे मिलना चाहो तो आप आ जाओ, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ ही हो, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, उतनी मैंने नहीं की जितनी आप लोगों ने की है। समटाइम्स मैं आप सबको बता दूं, मेरे पेरेंट्स इस तरह के कोऑपरेटिव पेरेंट्स हैं कि समटाइम्स मैं डाउन हो जाता था। मैं बहुत ही सुस्त किस्म का आदमी हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, जिम में जाऊंगा, बस आदमी ने व्लॉग नहीं बनाना। तो शी वॉज द वन जो आती थी, उठ उठ चल 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 जल्दी कर व्लॉग बनाना है। तो इनकी वजह से मैं कंटिन्यू रह सका, इनकी वजह से मैं रेगुलर रहा, तो आज यहाँ पे हूँ 100K 6 माह में। शायद आगे इससे भी जल्दी हो जाए, जो भी है। और भट्टा की तो क्या ही तारीफ है, कभी किसी चीज से मना ही नहीं किया। ये कहा ना कि भट्टा ये शॉर्ट नहीं सही है, आपने ये दोबारा देना है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कभी कुछ कहा ही नहीं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप दोनों की मेहनत है कि मैं भी आप लोगों के सरसद के यहाँ तक आ गया हूँ। बाकी कंफ्यूज बहुत हूँ, दुआ करना अल्लाह खैर करे, जो भी हो अच्छा हो जाए। फर्स्ट मीटअप है, उनको हमसे मिलके अच्छा लगे और हमें उनसे मिलके अच्छा लगे, शायद हमारी फैमिली ही है। लेकिन बस अंदर से हिला हुआ था, सोचा आप जितने आजिज हो जाओगे, जितने आजिज रहोगे, जितने कोऑपरेटिव रहोगे, जितने खुलूस से करोगे ना अपना काम, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुझे और तरक्की देंगे, टेंशन ना। कोशिश तो करता हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन करेगा तेरे लिए भी, उन सबके लिए भी, ठीक है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर फर्स्ट मीटअप व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। आपके भाई की कन्फ्यूजन तो आपने देख ही लिया। खैर, जिन लोगों की ब्लेसिंग्स लेना मेरे लिए जरूरी था वो मैंने ले ली है, अब कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह पाक सब खैर करेगा। जी जी, बाकी सब ठीक, आप सबका इंतजार है बस अब मीटअप पे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि गजल और आमना भी आज हमारे साथ आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कल वाले व्लॉग में आपको बताया था कि जब मैं व्लॉग अपलोड कर दूंगा तब गजल उठेगी, तब उसकी कॉल आएगी कि मैंने और आमना ने भी जाना है मीटअप पे। और एज इट इज ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैंने व्लॉग अपलोड किया उसकी मुझे कॉल आ गई कि भाई मैंने और आमना ने भी जाना है मीटअप पे, तो वो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। ये आप सबके लिए सरप्राइज होगा विजिट के ऊपर, मीटअप के ऊपर गजल और आमना की सरप्राइज एंट्री होने वाली है आज। अच्छा जी, तो अब सीन ऐसे है कि कपड़े वगैरह प्रेस हो गए हैं, अवैस के भी, मेरे भी, अम्मा के भी, बाबा के भी। दरअसल मेरे पास कपड़े हैं बहुत है, तो चूज करना जरा मुश्किल हो जाता है। अभी टाइम हो रहा है 2 बजे का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे तक मेरे दोस्त वगैरह सारे आ जाएंगे जिन्होंने मेरे साथ जाना है, मेरा स्क्वाड बन के अपनी अपनी गाड़ियों पे। गजल और आमना भी होंगी अपनी गाड़ियों पे, तो हम जितना भी लेट हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम भी 4:30-5 तक हम घर से निकल जाएंगे मॉल के लिए। नमाज पढ़ लेते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 hour later
ओके जी, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मैं ही नहा धो के रेडी हो गया हूँ। हम सब तैयार हैं, आप सबसे आए आए आए, एक मिनट रुक जाओ, ये क्या ये शेक पी लो, पीता हूँ। इधर जरा खड़े हो, अपने बंदे के साथ खड़े तो हो जरा, ऐसा मैचिंग है। क्या मैचिंग है बब्बा जी, आई तो इधर भी चन चढ़े आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है। ये मेरा शेक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुबह से नाश्ता किया हुआ है, तब से भाग दौड़ लगी हुई है, अभी तक शेक भी नहीं पिया, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कुछ और लोग, कुछ और व्लॉगर्स भी हमारे घर पे आए हुए हैं, तो हम कैमरा शिफ्ट करते हैं उनकी तरफ, आपको उनसे भी मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इतनी नींद आती कहां से है। अपरे कारण हूं यार, क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझ नहीं आ रही कि मेरा मीटअप है कि है ना, मीटअप इधर चेक करो, वाह नाइस, कहती मैं अपने फैन से मिले उते भावे मेरा फैन ना आया कोई, तेरा फैन पहले आ जाएंगे। इनको 15-20 मिनट हो गए, मैं शावर लेने चला गया था और मेरे दोस्त भी बाहर आए बैठे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कौन आएगा, कितनी आवाम आएगी। हाँ जी बताओ यार, मुझे तो काफी अच्छी की उम्मीद है, बाकी अल्लाह खैर करे। आपको? मुझे भी अच्छी की उम्मीद है, बहुत। आपका मुंह तो अच्छा नहीं है, लेकिन चले आप बात अच्छी कर ले। 40-50 तो मेरे से मिलने आ जाएंगे, मेरे 40-50 तो मेरे से मिलने आ जाएंगे। हाँ जी है। अच्छा हाँ, तो अल्लाह खैर करेगा। अभी ये एक बहुत ही प्यारा सा भाई आया था जो कि आके हमें बुके दे गया और कहता है भाई कि मैं मीटअप पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको घर पे विश करके जाऊँ कि बेस्ट ऑफ लक, आपका फर्स्ट मीटअप है, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो ये मेरी तरफ से उनको थैंक यू मैसेज है, भजन बहुत प्यारा बुके है आपका, पहला बुके आ गया, निकलते हैं। बस एक दोस्त का वेट हो रहा है, हैदर का वेट हो रहा है, हैदर आले फिर हम निकलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के और जाके देखते हैं कि क्या निजाम है, कितने लोग आए हैं, कितने प्यार करने वाले लोग आए हैं, अल्लाह खैर करेगा। ओके जी रेडी, कुछ दोस्त हमारे बाहर आए बैठे हैं हैदर के अलावा, उनको मिल लेते हैं पहले, बाकी आइए अभी हमारे दोस्त आए हुए। भाई जान क्या हाल है, ठीक ठाक रेडी? अल्लाह अकबर, एक मिनट सबर सबर सबर, तुम लोगों ने जाना नहीं मीटअप पे, एक क्या करके बोलो, हाँ व्लॉग में ले लिया, घर वाले इजाजत नहीं दे रहे। चलो कोई बात नहीं, अभी आप छोटे हो बड़े हो जाओगे तो फिर आना। भाई एक मिनट साइड बैठो, साइड बैठो। भाई जान क्या हाल है? क्या बात है, आज तो हैंडसम लग रहे हैं, मैंने आपको दरअसल देखा जिम में ट्रैक सूट में, कभी इस तरह वेल ड्रेस देखा नहीं ना आपको। निकले भाई, बस हैदर का वेट हो रहा, 5 मिनट में वो आ रहा, निकलते हैं। आ गया भाई, आए माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई जान एक वहां से एक वीडियो आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ जाएं। हो गया? हाँ जी समझ जाएं, मॉल से एक वीडियो आ गई है। शहजी भाई भी आ गए हैं, माशाल्लाह लुकिंग हैंडसम भाई, निकले चलो, सब रेडी। ये भी जा रही है गाड़ी, जो बकाया अपने लौंडे लपड़े हैं उनको बिठा देते हैं इसमें, ठीक है। मैं तो बैठूंगा अपनी में ही, जब तक ये खुद का नहीं मैं ले लेता तब तक इसमें नहीं बैठूंगा, अभी फिलहाल अपनी में ही बैठूंगा, ठीक है। चले ये जी, हमारे सईदों का फोन आया था कि रजब फैमिली प्लीज जाते हुए अपना सदका दे के जाइएगा, सबके हाथ लगवा लो जी। बाबा आप तो पहले लगाओ, आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। चलो जी बिस्मिल्लाह। अम्मा जी आप मेरे साथ बैठो, बाबा भी मेरे साथ बैठते हैं, हैदर गाड़ी चला लेगा। गजल और आमना आप दोनों बैठ जाओ शहजी के साथ, ठीक है, एलेंट्रा में। तो बिस्मिल्लाह करो, निकले पापा जी बैठे हैं, चल इधर आजा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके बच्चे, ओके बच्चे, बाय 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 बाय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खैर से जाए, खैर से वापस आए, सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। ओके जी, तो मंजिले मकसूद आ चुकी है, पेट के अंदर गुड़ 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 हो रही है। अल्लाह खैर करे, पहुंच गए हैं बस हम। हाँ जी मामा जी रेडी रेडी है साहब। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह भाई जान क्या हाल है, थैंक यू सो मच, क्या हाल है बच्चे, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कब से वेट कर रहे हो? 5:30 बजे से सर, मैं माजरा चाहता हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं शतके जाऊँ, क्या हाल है, ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू।
अच्छा जी, पहले हमारी एंट्री थी बैक गेट से, अभी आगे थोड़ा सा रश का मसला है तो सिक्योरिटी वाले हमारे साथ हैं, हम जाएंगे अब बैक का भी बैक गेट है। कौन सा गेट है ये जहाँ से जा रहे हैं हम? ये होटल लॉबी का गेट है जहाँ से अब एंट्री हो रही है, क्योंकि वो वाला गेट भी पैक हो गया। रास्ता दे दो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं ऐसे से भी चुदो ऐसे और उसके लिए ना मानना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना प्यार है आप सबको, लव यू आप सबने प्रूव किया है कि वाकई फैमिली मेंबर्स हैं, कोई आर्मी शर्मी नहीं करने वाला।
भाई, थैंक यू। कैसा रहा? मैं भाई सीन तो नीचे थोड़ा सा बैड हो गया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की अपने फैमिली मेंबर्स को कि प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब ऊबर मैनेजमेंट के ऑफिस में आके बैठ गए हैं सारे। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। सारे यहाँ पर आके फिलहाल बैठ गए हैं, अभी हमने ऊपर जाना है बाउंस पे। यार मच लव, यार मच लव। मेरा दोस्त रह गया पीछे। यार जान तुम कहाँ रह गई थी? मेरे सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे हो गए थे। क्या लगता मम्मी शर्ट पाड़ गई मम्मू उनकी। अच्छा अली भाई, जब आपने मुझे वीडियो कॉल की है तब तो वहाँ पर वो रिबन वगैरह लगे हुए थे, बाउंड्री लगी थी क्या? एक मिनट, क्या लोग नहीं थे वो जो रखे हुए थे बैरियर्स लगाए हुए थे, उन्होंने उठा के पीछे रखे और वो खुद सारे स्टेज पे आ गए। असली फैन नहीं कहते, फैमिली मेंबर हम जानते हो। तू कहाँ रह गया था? मुझे यार, मैं आप लोग कवर करने पीछे पीछे खड़ा हुआ पीछे से। वहां मैंने कहा, एक ने मुझे कहा सेल्फी लो, मैंने सेल्फी लेने का कहा तो सारे आते। अच्छा आप लोगों ने देखा है कि अवैस की अपनी फैन फॉलोइंग बनी हुई है? मेरे नारे बाद में लगे, पहले अवैस अवैस हो रहे थे। अच्छा, जो भी आ रहे थे बच्चों के नारे, बच्चे नारे लगा रहे थे अवैस 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 है। हाँ जी, ठीक ठाक बैठा, ठीक हो? हाँ, ये गिफ्ट वगैरह भी आए हैं कुछ जी, घर जाके देखेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं इसमें, मेरे ही है सर। मेरे हाथ में था, मेरे उन्होंने मुझे कुछ स्पेशली बनाया। अच्छा ओके जी, तो पानी शानी पी लिया। अब पापा अम्मा गजल और आमना इनको यहीं बिठाते हैं, हम सब चलते हैं ऊपर, क्योंकि आज अमाना मॉल की छत के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाउंस जो है वो उमर भाई की जेरे रस्सी के अंदर लॉन्च हो रहा है। ब्लॉग के अंदर उसको भी लेके आएंगे, उसको भी दिखाते हैं। मैं और मेरे बॉयज ऊपर चलते हैं। चले भाई, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी शादी भाई। अवैस चले आज जी, ऊपर 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 आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं, ऊपर ऊपर आ रहे हैं, ऊपर तो ऊपर ही आ रहे हैं ना। पीछे सिद्धू मूसा वाला भी आया है भाई के वॉलपेपर ही लगा होगा। चले लुट गया हूँ सर, प्लीज कैसे करते बहुत बहुत अपॉलोजीज उसके लिए। मैंने, मैं इतना हूँ नहीं इन चीज़ों में, तो मैंने कभी सुना हुआ नहीं था, तो आई थॉट के कोई बात नहीं हो जाएगा। नहीं मुझे आइडिया हो गया, तो मैं यहाँ पे एक घंटे से खड़ी थी ऑपरेशन वगैरह देखने के लिए। लोग आके मुझे पूछ रहे रजत भाई ने कब आना है, पर मैं उनकी शक्ल देख रही फोन। नहीं अब तो डेफिनेटली नीचे जो मैंने देखा, मैं सीसीटीवी फुटेज में देख रही थी नीचे जितना क्राउड और जिस तरह से देखा, डेफिनेटली आइडिया। दो तीन दिन पहले अगर लगाते तो इसकी और अच्छी प्रमोशन रहनी थी, और मेरा मीटर नीचे जो था वो आपको दोबारा बुलाएंगे, हम आपको नेक्स्ट मंथ दोबारा बुला लेंगे। ऑर्गेनाइज के साथ मेरी तरफ से कुछ है कि मैंने टाइम भी अनाउंस किया, और आपकी तरफ ये क्या आपकी शॉर्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम चलो। ओके जी, आप सबके प्यार का बहुत 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 शुक्रिया। ये देख रहे हैं आप, ये मेन लिंक रोड है और ये आ गई अमाना मॉल की छत। चेक कर रहे हैं, कमाल नहीं हो गया? पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाउंस है जो कि रूफ टॉप पे है, ठीक है? आप सबके घरों के करीब है, लाहौर वाले तो जरूर चक्कर लगाए, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। अब आप सबका वेट है। साइड पे अब पीछे हो जाओ।
वो चलती ही थोड़ा खुले हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे एक मैं इनके साथ हूं आओ ये रज भाई आप तो अग्रेसिव हो गए हैं आपके टाइम का शुक्रिया तो आपको खुश है थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया आप देखते हैं जी जी शुक्रिया ये बहुत प्यारा कवर किया शुक्र करो आप लोग नहीं गए ऊपर हमा ऊपर भी इनसेन सीन था लव यू हो गया यार सबको अगर किसी को नहीं मिल सके तो उनसे माजरत बाकी अमाना मॉल वालों ने भी माजरत कर ली है कि भाई हमें पता नहीं था इतना क्राउड हो जाएगा मैंने कहा मुझे भी नहीं था पता अब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री और ये सॉरी के तौर पे खाना शाना पेश किया मुझे भी और सारे फ्रेंड्स को भी तो जरा खाना शाना खा लेते हाँ आपके बच्चों ने वाकई लव कर दिया हाँ जी सब ने खा लिया चले शहजी शहजी उठ जाओ बेटा अब अमाना मॉल वाले कहेंगे तो फिर जाओगे आ जाओ मेरा बेटा माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अच्छा जी अब निकलना है बाहर को बाहर गाड़ियों के पास रश लग गया अब सिक्योरिटी वालों ने हमें कहा कि आपने बाहर नहीं आना हम आपकी गाड़ियाँ निकलवाते हैं आप अगर बाहर आए तो काम भी ख़राब हो जाएगा तो बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं चलें 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 भाईजान थैंक यू भाई आया आ रहा हूँ अम्मा चलो आप चलो गाड़ी में चलो लो थैंक यू चलो गाड़ियाँ खड़ी भाई थैंक यू बस थैंक यू भाई जी रास्ता चेंज कर लो और घर ना जाना क्योंकि गाड़ियां पीछे लग गई हैं अब क्या ही कहें कुछ बाइक्स हैं कुछ गाड़ियां हैं उन्होंने स्पेशली कहा गड्डी कट उन्होंने गाड़ियां पीछे लगा लिया मेरी तीन गाड़ियां मेरे साथ इस टाइम आई हैं आपको बताइए सब दोस्त यार साथ आए हैं तो अब मैं घर नहीं जाऊंगा कहीं और चलते हैं क्योंकि अगर पीछे आएंगे तो मसला हमसे हो सकता है चलो जी अच्छा जी घर नहीं आए हम हाँ जी क्या सीन है चार पांच बाइक वाले साथ साथ पीछे को गाड़ियां भी थी तो हाँ ये यार ये क्या सीन हाँ मैंने नोटिस तब किया है जब हम लोग मॉल के एंट्रेंस से निकल रहे थे ना बाहर उसके लॉबी से निकल रहे थे तब भी उनका गड्डी स्टार्ट अच्छा ये अब हैदर की फनकारी है हैदर ने गलियों के अंदर गाड़ी डाल ली और शहजी की भी फनकारी है इसने भी गलियों के अंदर गाड़ी डाल ली क्योंकि हम घर नहीं गए हम आ गए हैं अपनी नानों की तरफ अगर घर जाते तो बस बड़ा काम खराब हो जाना था हमारी नानों की तरफ जी निकाह है एक बंदे का वो भी आपको बताऊंगा मैं अच्छा जी जैसे कि बताया कि कल निकाह है यहाँ पे तो अम्मा तो अब आज रात यहीं रहेंगी क्योंकि ढोलकी होनी है मैं जाऊंगा घर अम्मा जी मैं जा रहा हूँ ठीक है मैं अपने बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ सबको दिल से दुआएं दे रही मुझे बहुत अच्छा लगा सबकी मौला सलामती करे खुश रहे सब अपने आमीन सुम आमीन आप ढोलकी शोलकी बजाएं मैं निकल रहा हूँ ठीक है चलिए भाई चलो गजल ने भी हमारे साथ जाना है क्योंकि उसकी अपने खानदान में एक दावत है चलें भाई आजा जल्दी कर शाबाश चलो यार बैठो आजो जिम मुलाकात होती है आजो जिम ठीक है चलो ठीक क्या कह रही थी रज भाई आपको ना आपकी मेहनत को दांत है कसम से अल्लाह ताला ने जितनी आपको इज्जत दी है ना किस्मत वालों को मिलती है अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे ना मैं आप करें थैंक यू सो मच डेली व्लॉगिंग आसान नहीं है भाई और लोगों के दिल के अंदर घर करना भी आसान नहीं है व्यूज आ जाते हैं लाइक्स आ जाते हैं कमेंट्स आ जाते हैं लेकिन अपनायत जो है ना अपनायत वो मैंने देख लिया आज के क्राउड में यकीन करो वो लड़की जो पीछे आई है ना मेरे उसने ना मैं बकायदा करके दिखाती हूँ उसने एक हाथ में बच्चा पकड़ा है और एक हाथ नहीं हूँ आम ना पे मैं बहुत बड़ी फैन हूँ झूठ बोल रही है कसम से वो लड़की अगर देख रही है ना तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैंने कहा यार ऊपर लगी क्या हो गया अब तो सऊदीया जा सकती है उन टिकट कटा दे वापस पहुंचा बस भाईजान नारे लगे हैं अवैस के नारे लगे हैं अवैस हाँ, सुने थे भाई रज्जू भाई के तो नारे लग ही रहे थे साथ लोगों ने अवैस दादा साडा भरा है अवैस के नारे नहीं लगने थे किसे नारे लगने ने थैंक यू सो मच लव यू ओके जी तो जवाद भाई आ गए हैं गजल को पिक करने इसको छोड़ते हैं गाड़ी में और फिर भागते हैं घर क्योंकि घर पे सारे दोस्त वेट कर रहे हैं हाँ जी क्या हाल है पूछो तो रहा है क्या हुआ है आ जाए इस तरफ आ जाए
यकीन करें इनसेन इनसेन क्राउड। चले बेहतर हो गया सब अल्हम्दुलिल्लाह। भागना पड़ा, बड़ी कोशिश की कि रुके सबसे मिले तस्वीरें वगैरह लें, लेकिन जो सीन हो गया था ना भागना पड़ा। उनकी मैनेजमेंट ने हमें बताया कि भाई निकलो आओ लो यहाँ से। कोई नहीं अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। मिल लिया अच्छी बात है, जो नहीं मिल सके नेक्स्ट टाइम चाहिए इंशाल्लाह। दोबारा चले पहुंचे आप लोग खैर से जैसे इंशाल्लाह होती है मुलाकात भाई। बाय बाय बाय। ओके ओके। बाकी यार दोस्त वेट कर रहे हैं सारे घर पे अब, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी तो घर पहुंच चुके हैं। मैं अपने दोस्तों का सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हैदर साहब थैंक यू, साद भाई थैंक यू, बिलाल साहब थैंक यू। ये मेरा दोस्त है, गार्ड शार्ड नहीं है कोई, इसको गार्ड ना समझ ले। उसकी बॉडी शॉडी जरा ऐसे है, मैं कहता तू बेटा अगे रहा तेरे डॉलर शॉलर का जरा फायदा हो। ठीक है थैंक यू भाई जान भाई, मामून भाई थैंक यू, शहजी भाई थैंक यू, बीके भाई थैंक यू। आप सबका भी बहुत 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 शुक्रिया जो इतने शॉर्ट टाइम पे आप सब आए। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना रश हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम पे लगाया था व्लॉग, कल रात को व्लॉग लगाया और आज हमने मीटअप कर लिया था, लेकिन फिर भी इनसेन क्राउड। थैंक यू सो मच, मच लव। आपको मैं अभी बता दूं कि अम्मा का प्लान था कि मैंने माइक के अंदर सबको दुआएं देनी है, क्योंकि बच्चों को मम्मा की दुआएं बहुत पसंद है और बट साहब के एक दो डायलॉग्स हैं जो बहुत पसंद है, वो हो ही नहीं सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, इतना मैंने लोगों से कहा कि प्लीज स्टेज से उतर जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, लेकिन उनका प्यार है वो पीछे हट ही नहीं रहे थे। फिर मॉल वालों को जबरदस्ती हमें लेके जाना पड़ा, ऊपर जाके मैनेजमेंट रूम में बिठाया, फिर मैं ऊपर बाउंस पे गया तो अकेला गया, फैमिली को नहीं लेके गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम विद इन 2 to 3 months दोबारा एक मीटर प्लान करेंगे, उसमें मैं आपको 3-4 दिन पहले अनाउंस करूंगा कि हाँ जी हमने यहां पर मिलना है और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। अभी के लिए अगर मैं किसी से नहीं मिल सका, किसी से पिक्चर या वीडियो नहीं ले सका, वैसे मैंने कोशिश की जहां जहां मैंने देखा कि यार रुक के मैं ले सकता हूं मैंने ली है, अगर नहीं ले सका तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूं, प्लीज गुस्सा ना करिएगा मुझ पे। मेरी तरफ से भी सबके लिए थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव सबके लिए। आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, हमें सबसे ज्यादा प्यार दिया, मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा थैंक यू सर। और अवैस की तरफ से भी थैंक यू, अवैस बाहर गया अभी बोतल शोतल लेने, उसकी तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। मेरी लाइफ का फर्स्ट मीटअप था और इनसेन मीटअप था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए, और इतनी फैमिलीज आई ना बस के छोड़ दो, यानी कि सिर्फ लौंडे लपाड़े थे, फैमिलीज बहुत थी। क्यों भाई जी ऐसे है कि नहीं? हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो मीटअप वाला तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करके दोस्तों को बताएं कि भाई रज्जब भट्ट भी एक एग्जिस्ट करता है भाई, मार्केट में आ गया। अपना ख्याल रखें, होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।